हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में मैं कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी जिसे आप अपने बच्चे का मानसिक विकास कर सकते हैं, उनकी समझ को विकसित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, उसी तरीके से जब हम ब्रेन का एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप होता है, मजबूत बनता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके की वर्कशीट देनी चाहिए जिससे उनकी समझ बढ़े, उनका ब्रेन डेवलप हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला है मैच हाफ वन। आपको किसी भी पिक्चर का हाफ पार्ट ड्रॉ कर लेनी है एक साइड में और एक साइड में दूसरा हाफ पार्ट ड्रॉ कर लेनी है। अब बच्चे को मैच करानी है तो बच्चे को यहाँ पे अपना ब्रेन यूज करना होगा, या आप 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसने इस पार्ट को देखा, यहाँ पे सन है जिसका हाफ पार्ट बना हुआ है। अब यह कंप्लीट करने के लिए उसे जरूरत होगी इस हाफ पार्ट की। तो आप पहले एक दो आप अपने उसे समझाने के लिए करके दिखाएंगे, फिर बच्चा खुद ही जब समझ जाएगा तो वह अपना ब्रेन यूज करेगा और वह नेक्स्ट सारे सर्कल को खुद से मैच करा लेगा। फ्रेंड्स, यह हाफ हार्ट है, इसको इस हाफ हार्ट से जब मैच कराएंगे तो एक कंप्लीट हार्ट बन जाएगा। इस तरीके से बच्चा सारा मैच कराएगा, इस हाफ ट्री को इस हाफ ट्री से, इस पैटर्न को इस पैटर्न से ड्रॉ करेगा, इस पैटर्न फ्लावर को इस फ्लावर से। तो इससे बच्चे का एक्सरसाइज होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है पैटर्न, और यह बहुत ही सिंपल होता है बनाने में और बहुत ही यूजफुल होता है। फ्रेंड्स, तो पैटर्न के लिए हमने यहाँ पे ए बी सी डी से स्टार्ट करनी है। अब बच्चे को करना है कि एक पैटर्न में जा रहा है तो जिस पैटर्न में जा रहा है नेक्स्ट वह इसे फिल करें। तो ए बी सी डी के बाद बच्चे ई एफ जी, अगर बच्चा लिख पाता है अल्फाबेट्स तो लिख के बताएगा, वरना वह अगर केवल अल्फाबेट्स को बोल पाता है तो वह बोल के बता सकता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर है, फिर साइड में है, फिर नीचे है, फिर साइड, फिर ऊपर। इस तरीके से बच्चा ऑब्जर्व करेगा कि इस पैटर्न में गया है, अब नेक्स्ट होगा इसके बाद साइड में, फिर नीचे, फिर साइड में। इसके अलावा बच्चों को शेप्स भी पता होती है, तो शेप भी आप दे सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, हार्ट, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, हार्ट। अब नेक्स्ट में बच्चा इस पैटर्न को फॉलो करेगा कि रेक्टेंगल ही होगा, ट्रायंगल, सर्कल, हार्ट होगा। इस तरीके से आप अपर कर्व, लोअर कर्व दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है तो आप इस तरीके का डिफिकल्ट भी बना सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहले लोअर फिर अपर, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, इस तरीके से दे दिया। या फिर हमने दो स्किप कर दिया, ए बी सी स्किप कर दिया, डी ई एफ स्किप कर दिया, जी। तो इस तरीके से थोड़ा पैटर्न को हमने डिफिकल्ट बना दिया, थोड़ा बड़े बच्चों के लिए। अब हम तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं। तीसरे में मैथ मैच रिलेटेड ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं जो कि आप बच्चों को बता सकती हैं अगर उसे पिक्चर को क्लियर नहीं हो पा रहा। यहाँ बताएंगे मून है, क्लाउड, नोटबुक, टीपॉट, बटरफ्लाई, माउस, बैट, ट्री, फिश। यहाँ है फ्लावर, बॉल, स्टार, वाटर, रेन, एप्पल, पेन, कप, स्वीट्स। अब बच्चे को अपना ब्रेन यूज करना है कि इसमें से कौन सी चीज किससे रिलेट हो सकती है। अगर वह मून को फ्लावर से नहीं कर सकता रिलेट, बॉल से नहीं कर सकता, स्टार से कर सकता है क्योंकि मून और स्टार साथ में रहते हैं, उसने इसे मैच करा दिया। इस तरीके से वह क्लाउड्स लेगा, अब वह यूज करेगा ब्रेन। क्लाउड से फ्लावर को मैच नहीं करा सकते, बॉल, स्टार, स्टार्स तो ऑलरेडी हो चुका है, वाटर, और यहाँ रेन है तो क्लाउड ज्यादातर रेन से ही रिलेट कर रहा है, तो क्लाउड से रेन होता है। देन नोटबुक, सब पैटर्न देखने के बाद उसे लगेगा नोटबुक, पेन, टीपॉट, कप। इस तरीके से बटरफ्लाई, फ्लावर, माउस, स्वीट्स, बैट, बॉल, ट्री, एप्पल, फिश, वाटर। तो इससे वह रिलेट करा पाएगा और उसका ब्रेन एक्सरसाइज होगा। नेक्स्ट पैटर्न है फ्रेंड्स सर्कल, आर्ड वन आउट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले आप उसे
बताएंगे कि ऑड वन आउट होता क्या है। इसके लिए आप कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे, आप उसके ट्वाइज यूज कर सकते हैं, आप उसके क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ कुछ क्रेयॉन्स दे दिया और साथ में एक हमने उसे कटर दे दिया, इरेजर। अब कहेंगे इसमें सबसे अलग क्या है, ये क्रेयॉन है, क्रेयॉन इरेजर, क्रेयॉन क्रेयॉन, तो बच्चा कहेगा सबसे डिफरेंट है इरेजर। नेक्स्ट हमने उसे कुछ पेंस दे दिए और यहाँ क्रेयॉन्स रख दिए। हमने कहा यह पेन है, क्रेयॉन है, पेन है, क्रेयॉन है, इसमें सबसे डिफरेंट क्या है, तो सबसे डिफरेंट क्रेयॉन है। इस तरीके से हम बच्चे को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देंगे और उसे यह सिखाएंगे कि सर्कल ऑड वन आउट होता क्या है। इसके बाद हमने उसे यह पैटर्न देनी है और उसमें बच्चे को देख के बतानी है कि इसमें अलग क्या है। यहाँ पे हमने कुछ शेप दिए हुए हैं और यह शेप नहीं है, बच्चे को तब तक शेप रिकॉग्नाइजेशन हो चुका होता है तो वह आसानी से कहेगा, इसको सर्कल कर पाएगा कि यह कोई शेप नहीं है। इसके अलावा वह काउंटिंग को पहचानता है अगर, तो वह काउंटिंग देख के समझ जाएगा कि यह का जो है वह काउंटिंग नहीं है, वह सबसे अलग है। इस तरीके से अल्फाबेट्स में काउंटिंग, इस तरीके से आप थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहते हैं तो आप सर्कल में हमने यहाँ बना लिया कुछ पैटर्न्स और यह स्क्वायर में बनाया तो यह सबसे अलग है। इस तरीके से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल है, स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर है, बट यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है जो कि सबसे अलग है। इस तरीके से हमने ट्री, सारे ट्री एक तरफ और यह अलग तरीके का ट्री है। आप थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी बना सकते हैं अगर आपका बच्चा इस तरीके से इजी समझ पा रहा है तो। अब है एक मैच सेम कलर, फ्रेंड्स हम उसे क्रेयॉन्स देंगे सेम कलर की, जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को सेम कलर्स में बनाया, जैसे हार्ट को भी पिंक, सर्कल पिंक, रेक्टेंगल ट्रायंगल पिंक, तो अब बच्चे को इसको मैच करानी है सेम कलर से। इससे बस सेम कलर या सारे कलर्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसे और उसे बहुत केयरफुली उसको सारे सेम कलर के पैटर्न को मैच कराना, क्योंकि वह सेम शेप के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं बट कलर सेम है, तो इसके लिए उसे अपना ब्रेन बहुत यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने स्काई ब्लू दिया इसे मैच कराने के लिए। इस तरीके से हम उसे रेड देंगे तो वह रेड मैच कराएगा कलर। इस तरीके से बच्चे का ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगा प्लस कंसंट्रेशन और उसका ब्रेन डेवलप होगा। इस तरीके से वह सारे कलर्स को ऑब्जर्व करेगा, मैच कराएगा और उसे बहुत अच्छा भी लगेगा इस तरीके की एक्टिविटी करने में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।